प्यार महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। आज के इस वीडियो में आप लोग को सिद्ध हवन के बारे में बताने वाली हूँ। सुबह सुबह 4-5 लोग आए और वो लोग सिद्ध हवन के बारे में पूछ रहे थे। अगर आप लोग गुरुजी का वीडियो देखते होंगे, जो लोग 11,000 का टोकन लेके गुरुजी के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो गुरुजी उनसे पहला ही प्रश्न पूछते हैं कि सिद्ध हवन किया, तो वो सिद्ध हवन नहीं किए रहते हैं। और सिद्ध हवन हमें करना क्यों है, तो गुरुजी कई बार वीडियो में बताए हैं कि जो हमारे पास संपत्ति है उसके लिए हमें सिद्ध हवन करना होता है। तो जितने भी पुराने लोग हैं, जो लोग वनडे हवन कर चुके हैं या फिर जो करने वाले हैं, इस वीडियो का बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप वनडे हवन कर चुके हैं 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, तो आप सिद्ध हवन नहीं किए होंगे और आपको लग रहा होगा कि अभी तो परेशानी बनी है। तो जो लोग वनडे हवन किए हैं और उनको लग रहा है कि हम अभी परेशान हैं, परेशानी अभी बनी है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप दरबार आए, सबसे पहले आप ना सिद्ध हवन करिए। गुरुजी से मिलने से पहले, आपको गुरुजी से मिलना है तो आप मिलिए, लेकिन गुरुजी से मिलने से पहले आप एक सिद्ध हवन कर लीजिएगा। तो अभी दरबार में 4-5 क्या बहुत सारे लोग आए हैं, तो वो स्पेशली सिद्ध हवन करने के लिए आए हैं, सिद्ध हवन के बारे में जानने के लिए आए हैं, और वो सभी लोग वनडे हवन पहले से करके रखे हुए हैं। तो आप सभी जितने भी लोग हैं ना वनडे हवन कर चुके हैं, आप सभी लोग जिसका सिद्ध हवन बाकी सिद्ध हवन कर लीजिए। सिद्ध हवन करने से आपकी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बना के रखी है, घर है, गाड़ी है, कोई चल अचल जो भी संपत्ति है, वो सभी से जो गंदगी आ रही जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, वो सारी आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिद्ध हवन आपको करना है। आप ये घर पे भी कर सकते हो, माँ बाबा से प्रार्थना करके आप दरबार में आओ, सिद्ध हवन लीजिए। काउंटर नंबर 9 पे जाइए, संकल्प कैसे करना आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं भी पूछ रहे हैं वहाँ पे, तो भी आप बाबा से माँ से प्रार्थना करके संकल्प करिए कि बा माता, हम ये जो सिद्ध हवन कर रहे हैं अपने चल अचल संपत्ति के लिए, जहाँ से भी गंदगी आ रही, कृपया करके इस हवन में नष्ट करके सब संपत्ति, जितनी भी हमारी संपत्ति है, उसको शुद्ध और साफ करिए। ऐसे करके आप बाबा से प्रार्थना करके कर सकते हो। बाकी काउंटर नंबर 9 बनाई है, पूछताछ केंद्र, वहाँ से भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सिद्ध हवन आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप 9 हवन की प्रक्रिया में हैं, तो अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, कोई ज़मीन अगर आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए भी आप ना एक हवन खरीद के उस ज़मीन के लिए, उस घर के लिए आपको करना होगा। अभी एक लेडीज आई थी, उन्होंने सारी प्रक्रिया कर ली है और अच्छी हो गई थी, लेकिन जैसे उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, उनके घर में गंदगी आने, मतलब उनको समस्या आना शुरू हो गया। तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप 9 हवन की प्रक्रिया में भी हो, उसके बाद अगर कोई नई कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो, तो उसके नाम से आपको एक सिद्ध हवन कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ की गंदगी आप लोग को परेशान नहीं करेगी, आप लोग स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे। ठीक है, तो सिद्ध हवन आप सभी लोगों को करना है। वैसे तो बहुत से लोग कर लिए हैं, जिनको आप अगर गुरु जी का वीडियो देखते होंगे, तो जो लोग देखते हैं कंटिन्यू, वो तो सिद्ध हवन कर लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं पुराने लोग जो अभी भी सिद्ध हवन नहीं किए हैं। तो दरबार आएँ, पहले आप लोग सिद्ध हवन करें, उसके बाद आप लोग गुरुदेव से मुलाकात करिए। ठीक है, आप सभी को हरिहर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरु।